सर, इसमें भगवान राम की नगरी अयोध्या के कण कण में भगवान राम है बसे हुए हैं, क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छी बात है, कड़कड़ में भगवान तो है ही हैं। यहाँ कड़कड़ के साथ साथ में जो हमारे हम व्यापारी हैं और हमारे व्यापारी उसी के लेकर के जो 22 जनवरी की तैयारी हो रही है, यहाँ के चाबी के छल्ले में, यहाँ के कपड़ों में, यहाँ के कंकड़ पत्थर में, यहाँ तक कि भगवान श्री राम का जो सेतु बांधा गया था रामेश्वरम में, उसका भी पत्थर यहाँ पर अब आ गया है। और आने के बाद ये लग रहा है कि अयोध्या में कड़कड़ में राम है और भगवान राम से लिखा हुआ राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल ले लीजिए, चाहे आप कोई भी, केवल मान के चलिए आपकी अयोध्या में सिर्फ राममय अयोध्या बन रही है और राममय बनती चली जा रही है और आज ही नहीं हमेशा ये बनती रहेगी, चलती रहेगी। कितने प्रकार के छल्ले हैं जिसमें भगवान राम से संबंधित प्रकार के आएंगे? मान के चलिए सैकड़ों प्रकार के छल्ले हैं जो भगवान राम से संबंधित हैं, और जैसे राम मंदिर का मॉडल हो गया और भगवान श्री राम के लिखे हुए उनके स्लोगन आ गए कि जय श्री राम लिखा हुआ है, या और भी तरीके से आप देख, जैसे भी जितना भी आप देखेंगे उतना आपको कम लगेगा। आने वाले श्रद्धालुओं की क्या मांग है इस समय छल्लों के लेकर? बहुत मांग है, बहुत डिमांड है, यहाँ पे जो भी आता है भगवान श्री राम को ही मानता है, केवल कहता है अयोध्या नगरी आए तो भगवान श्री राम का कोई ना कोई निशानी लेकर के जाएंगे। कितनी मात्रा में लेकर के जा रहे हैं इसे? एक आदमी अगर आता खड़ा होता है तो अपने पूरे परिवार के लिए लेके जाता है, मान ली उसके यहाँ 10 लोग हैं, 10 तो अपने परिवार के लिए लेके जाता है। क्या करते हैं लोग लगा करके? वो ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम देखिए अयोध्या गए थे और हमारा अयोध्या जाना सफल हो गया और वहाँ से भगवान श्री राम का प्रसाद लेकर के आए हैं। क्या नाम आपका? आनंद कुमार गुप्ता नाम है। कहाँ से? अयोध्या से, हनुमानगढ़ी। तो एक काम करो, सुनो, अभी मोर वाला भेज दो, उसको कल भेज देना, कल पेमेंट तुम्हारा जो बच्चे लगा देंगे वाला, ठीक है? बोतल में पानी भर लो, यही से साफ स्वच्छ पानी मिल जाएगा पीने के लिए, रखा रहेगा हम लोग के पास। हाँ,
मैम आप दर्शन कर करके आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस समय अयोध्या में कण कण में राम है? कण कण में राम है, सबके मन में राम है, सबके तन में राम है और सबके रोम रोम में राम है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ तक राम ही राम है। आप किसी के वस्त्र को देखेंगे वो भी राम है, कोई माला पहना हो वो भी राम है, मन में राम है, मुख पे राम है, तो रोम रोम में राम है और पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड में केवल राम ही राम है। और सृष्टि का निर्माण राम से ही हुई है, तो राम में सृष्टि और सृष्टि में कण कण में राम है। आने वाले श्रद्धालु देख रहा हूँ सभी चाबी के छल्ले ले रहे, कोई दर्जन ले रहा है, कोई सैकड़े में ले रहा है, ये इस पे क्या कहना है? यही कहना है कि आने वाले समय में पूरा भारतवर्ष राममय होने वाला है और प्रभु की कृपा रही तो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। आप भी राममय माला पहनी हुई है? जी जी। ये तो क्या कहना चाह रहे हैं? बस कथा के कारण 2 महीने से अयोध्या से बाहर रही, तो आज ही सुबह आई हूँ, तो बस हनुमान जी महाराज का दर्शन करने गई थी, तो वहाँ महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आशीर्वाद स्वरूप महाराज जी ने सब प्रेम भेंट दिया। क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं तो कुशीनगर की रहने वाली हूँ। क्या नाम आपका? साध्वी स्मिता।